रोहित शर्मा को एक साथ मिले दो घातक बल्लेबाज। टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में एक नया कप्तान मिला है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया एक बार फिर से पूरी दुनिया पर अपना राज जमाना चाहेगी, लेकिन इसके लिए टीम में मिडिल ऑर्डर को मजबूत होना बेहद जरूरी है। युवराज सिंह और सुरेश रैना के रिटायर होने के बाद से ऐसे दो खिलाड़ी मिलना मुश्किल हो गया जो भारत को संभाल सकें, लेकिन अब रोहित की कप्तानी में ये खोज पूरी हो गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे दो बल्लेबाज मिले हैं। जी हाँ, ये बल्लेबाज हैं सूर्यकुमार यादव और वेंकटेश अय्यर। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पूरी सीरीज में ही दिखाया है कि मैच कैसे खत्म किए जाते हैं और शुरू के विकेट जल्दी गिरने के बाद कैसे पारी को संभाला जाता है। खासकर तीसरे T20 में इन दोनों बल्लेबाज की तूफानी बैटिंग के चलते ही टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है। ऐसा लग रहा है कि रोहित की कप्तानी में युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे दो और बल्लेबाज मिल चुके हैं। टीम इंडिया ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रनों का टारगेट दिया। भारत की ओर से इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी की। सूर्य ने इस मैच में 31 गेंदों पर 65 रन बना दिए। सूर्य ने इस मैच में कुल 7 छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं वेंकटेश अय्यर सिर्फ 19 गेंद पर 35 रन बनाए। उन्होंने भी अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इन दोनों ने अकेले दम पर भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी इन दोनों प्लेयर्स के फैन हो गए हैं। इसके अलावा इस मैच में ईशान किशन 31 गेंदों पर 34 रनों का योगदान दिया। सुरेश अय्यर के बल्ले से भी 25 रन निकले। वहीं कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन बना पाए। युवराज सिंह और सुरेश रैना ने जब से क्रिकेट से संन्यास लिया है, भारतीय क्रिकेट के बुरे दिन शुरू हो गए। भारत का वीक मिडिल ऑर्डर हर ICC टूर्नामेंट में उसकी हार का कारण बना है। 2013 के बाद टीम इंडिया कोई भी ICC टूर्नामेंट जीतने में असफल रही है। कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि टीम का मिडिल ऑर्डर बड़े मैचों में फेल हो रहता है, लेकिन अब रोहित ने अपनी टीम को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में आखिर T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 17 रनों से जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 167 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।